जब तक देश से मिलके नहीं रहोगे तब तक धर्म नहीं चला पाएंगे आप। देश के हर नागरिक से आपको मिलके रहना पड़ेगा। वो कहां है किशोर पाड़े, मित्र मनोज और रोहित से मिलना, आप अपने यहां के रोहित से। उस बच्चे ने कहां कहां जाके क्या क्या स्थान खोज के रखे, जहां आवश्यकता पड़ती वहां रुकना पड़ता है। इन लोगों से पूछो कोरोना में मालूम, बोला भूमि किसने दी आपको, 2 महीना आप जिसके यहां रुके थे वो कौन था भाई, नवीद मित्र ओ मालूम एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ब्राह्मण थे ना, उन्होंने अपना पूरा भवन ऐसे खोल दिया था कि आप जितने दिन रुको उतने रुको। वो अंत में वो बहुत बड़े अधिकारी थे, वो दादाजी एक दिन दर्शन करने भी आए थे, बोले अवभाग्य मेरा अभी तक ये भवन साधियों में जाता था, आज पवित्र हो गया, अब साधु लोग रुक रहे हैं। अरविंद महावीर जयंती का दिन आया, चंडी में एक जैन नहीं, और चंडी के क्षत्रियों ने महावीर जयंती मनाई बड़ी श्रद्धा से। इनके पास पाड़े जी पन्ना, ये आपके मनोज बबलू भाई, वो राकेश को फल देने आए। बोले क्यों, बोले आज महावीर जयंती है, आप लोग गांव में नगर में होते तो कितना महोत्सव मनाते, इसलिए महावीर तो हमारे भी हैं आपके भी हैं। कभी भी जीवन में ध्यान रखना, कभी भी व्यक्तिगत विरोध में सामाजिक विरोध खड़ा नहीं करना। आपका व्यक्तिगत किसी आदमी से विसंवाद हो गया, उसे जाति पर नहीं थोपना चाहिए, उसे समाज पर नहीं थोपना चाहिए, कभी नहीं कभी नहीं। विश्व एक भारत गुलस्ता है, अनेक पुष्पों से बनता गुलस्ता, ऐसे भारत भूमि एक सुंदर गुलस्ता है, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, सब मुस्कुरा के रहते हैं। यहां पर भैया प्रवेश हुआ नांदनी में, ओहो हो क्या मराठे, क्या मुस्लिम भाई, क्या हिंदू भाई, ओ सब मित्र क्या अगवानी कर रहे थे उस दिन। देखना चाहिए था नांदनी में, देखना चाहिए था नांदनी में, मिट्टी उर्वरा होना चाहिए। कक्का तुम्हारे घर की गाय दूध देती है, कोई दूसरी गाय खरीद के लाए फिर किसी घर की हो जाती है। किसी भी घर से गाय खरीद के लाए और तुम्हारे खूंटे बनते ही गाय जैन हो जाती है। ओहो गाय जैन हो गई। गाय और नारी इन बिचारों की दशा तो देखो, माता बुरा नहीं मन, अब जो है सो है। पाटिल कोई बैठा या पाटिल, पाटिल खड़ा हो जा, शादी हो गई क्या, अच्छा विचार है क्या। अरे बालक सुन, तू पाटिल है ठीक है, और कोई चौगले की लड़की से तेरी शादी हो गई, इधर देख चौगले की लड़की से तेरी शादी हो गई, अब वो लड़की क्या लिखेगी, चौगले लिखेगी पाटिल है? ओहो तेरे खूंटे पे आती बेचारी चौगले से पाटिल हो गई। देखा कि एक कन्या चौगले पर भर में जन्मी हुई थी, बढ़ जात्या एक सोगानी की लड़की तेरे घर में आ गई, वो घर में आते ही वो बिटिया क्या कहलाएगी, वो लवी कहां गया, लवी लवी तू परिवार की बिटिया लेके आए, खंडेलवाल बना दिया तूने। अब विषय पकड़ना, बेटी भले चोगले परिवार की हो लेकिन पाटिल में आएगी तो बिटिया किसकी कहलाएगी, बहू पाटिल की लिखेगी ना। मित्र इसी प्रकार से ध्यान दो, जब शादी होने से तुम्हारी जाति बदल सकती है तो धर्म में दीक्षित होने पर अभी तुम जाति फैला रहे हो। ओहो
बैठ जाओ, इन सब के नाम बदल गए हमने, इसलिए नाम बदले जाते हैं जैन शासन में। इसलिए मित्रों, किसान श्रेष्ठ है, किसी भी गाय को अपने घर की बना लेता है, वो बिटिया श्रेष्ठ है कि बहू बनते ही परिवार बदल जाता है, ऐसे मित्र दिगंबर दीक्षा लेते ही उत्तर दक्षिण समाप्त हो जाता है। पूर्व पश्चिम समाप्त हो जाता है। हमारे पर गुरुओं को परागुरु की बात सुनना चाहिए। लगता है लोगों ने तत्वासूत्र नहीं समझा अभी तक, समझना पड़ेगा। परंपराएं अपने क्षेत्र की हैं, उनका आप निर्वाह करो, लेकिन साधुओं को कोरोना मत कहो। ओहो, बराबर भैया। मित्र क्या लिख रहे हैं, स्निग्ध दुग्धत्वात बंधा, स्निग्ध दुग्ध से बंध होता है, बराबर। इसलिए ज्ञानी मुमुक्षु दोनों संचालक हैं, ये देखो बट्टा रख जी, वो रायपुर में संचालन किए, ये भिलाई में चात्र में संचालन किए, दोनों संचालक हैं और आप कर ही रहे हो संचालन है? परागुरु अपरागुरु, जो अपर गुरु हैं आचर उपाध्याय साधु, ये अपर गुरु हैं, अरहंत सिद्ध ये परागुरु हैं, आचर उपाध्याय साधु ये पर गुरु हैं, और अरहंत सिद्ध परागुरु हैं, आचर उपाध्याय साधु अपर गुरु हैं। ये पर गुरु अपर गुरु ये व्याख्यान आप कहां से कर रहे हो, प्रश्न कर लिया करो, आप तो टेंशन मत लो। तत्वानुशासन ग्रंथ में आचार्य नांगसेन तो रामसेन स्वामी ने पर गुरु अपर गुरु की व्याख्या की परागुरु। अरहंत भगवान ऐसे गुरु जिनके देखने मात्र से कुछ वस्तु देखने से बदल जाती है, डालना नहीं पड़ता, कुछ डालने से बदलती है। हल्दी में चूना मिलाओगे बोला तब रंग बदलता है, लेकिन बालक कुछ वस्तुएं तो देखने मात्र से, गणेशी लाल देखने मात्र से वस्तु का रंग बदल जाता है। ओहो, देखने मात्र से सजल, देखने मात्र से जब कोई व्यक्ति कामनी को देख करके अपना काम का बाण से विध करके अपना रूप बदल लेता है, तो मित्र भगवान को देख करके मिथ्या बल्कि सम्यक रूप हो जाता है। दर्शन की बड़ी महिमा है। ज्ञानी जय कुमार जी, कहाँ विदिशा कहाँ ग्वालियर, तुम ग्वालियर कैसे पहुंच गए? अंकित देखने से रूप बदल जाता है। द्वेष कौन किसको देख ले, फिर अंदर का हृदय अंदर में रह जाता है। वो तुम बोलती हो क्या, दिल हमारा चला गया है। ओ मित्र, वो दिल न जाए, उस तुम्हारा हृदय आपका अरहंत के चरणों में चला जाए। हुआ क्या, 66 दिन हो गए, 65 दिन निकल गए, 65 दिन निकल गए, परा गुरु की बाणी नहीं खरी, क्योंकि अपर गुरु नहीं मिल रहा था, अपर गुरु नहीं मिल रहा था। आप सोच रहे बोले कहां बोल रहे हैं, आप पहले समझा करो, थोड़ा देर रखो। ओहो, एक दृष्टि हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए, ध्यान से ज्ञान से
चारित्र से, अपनी भक्ति से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए। जिनके पुण्य क्षीण है, चेहरे में कोई छिंदवाड़ा, कोई रंगत नहीं है, चमक नहीं है, लोग पूछते नहीं है, तुम रहस्य में आइए, भगवान की भक्ति करो, अनंत की भक्ति करो। जिनके कोई बात ही नहीं सुनना पसंद करता, उन्हें मौन रहना सीखना चाहिए। जितना मौन रखोगे, किसकी हिम्मत कोई कह दे तुमसे चुप रहो, हो ना, मौन, बोले मौन, लोग तरस जाएं कि भैया कुछ तो बोलो, तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है। वचन बोलने से बहुत शक्ति नष्ट हो जाती है। हाँ, वचन बोलना ही है। देखो देखो भाई, कोई पर केसर लगी, तुम पानी की छिड़का मार दो, वो केसर बह जाती है, मिट गया, बराबर। ओ मित्र, वही केसर का पानी तुम लेकर के मंत्र पढ़ दो, कलश में शक्ति आ जाती हो। जमीन की मिट्टी, मोहन धूल, उड़द मूंग, उड़द उड़द, एक मंत्रवादी ने ऐसे उड़द लिए अमित, और एक काले नाग पर ऐसे छोड़ दिए, जो नांग ऐसे भाग रहा था, वो नांग ऐसे गिर पड़ा। मंत्र के प्रभाव से नांग मूर्छित हो गया। मंत्र के प्रभाव से लोग मूर्छित हो जाते हो। मंत्र कई प्रकार का होता है, मुख से मंत्र बोला जाता है, श्वासों में मंत्र होता है, आंखों में मंत्र होता है। ओ मित्र, आंखों में मंत्र होता है, आंखों में मंत्र होता है। अनमेश, महावीर पाटनी ने मंत्र कर दिया तेरे ऊपर, उनकी बेटी का पालन कर रहा है। ओहो, मंत्र मंत्र, जितेंद्र डॉक्टर, मंत्र मंत्र, आंखों आंखों का ऐसा मंत्र हुआ प्रदीप कि सासू की बिटिया की रक्षा करना पड़ रही है। ये मंत्र का प्रभाव है। जब मंत्र से किसी कन्या की तुम रक्षा कर सकते हो, तो मंत्र के प्रभाव से निज आत्मा की रक्षा करो, जिन शासन की रक्षा करो। 500 शिष्यों का स्वामी, अहंकार में चकनाचूर, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव भी सच्चा गुरु हो सकता है, सच्चा गुरु हो सकता है। इस ज्ञान को समझना चाहिए, इस ज्ञान को समझना चाहिए। जैनत्व पर लक्ष्य रखिए। गौतम गौतम अहंकार में डूबे थे, 65 दिन तक दिव्य दुनिया क्रिया नहीं भगवान की। सौधर्म इंद्र ने अपना वधि ज्ञान देखा। एक सामान्य मुनि की सभा हो तो लोग मौन लेने तो घबरा जाते, तीर्थंकर वृद्ध का भेष बनाया और पहुंच गए कहाँ, 500 गुरुओं के मठ में। ज्ञानी लोग समय देख के काम करते, खड़ा रहा वृद्ध, जैसे गैप दिखा अंतराल, स्वामी मेरे गुरु ने सूत्र दिया है, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा दीजिए। बोले बोलिए। त्रिकाल्यम जिनेश्वर, त्रिकाल्यम द्रवषटिकम, ओह ये सूत्र जैसे ही बोला पूरा हो भी नहीं पाया। तो सोचते हैं गौतम कि 18 पुराण, 4 वेद, ने सब तो पढ़ लिया, ये त्रैकाल्यम चतुर्द्रव्य पंचाशिकाएं, 9 पदार्थ, 7 तत्व, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन क्या सोचते हैं, मैं ऐसा कहूं कि मैं नहीं जानता हूं तो मेरे 500 शिष्य क्या सोचेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं,
ऐसा है, तुम्हारे गुरु कौन है? बोले मेरे गुरु विप्लाचल पर है। विप्लाचल पर है, अच्छा हाँ। अब आपको क्या समझाऊं? तुम्हारे गुरु को समझाऊंगा। मालूम वैशाली के चातुर्मास में जिनकी मैं बात कर रहा हूं ना, गौतम स्वामी गिरधर बने, उनके वंश के एक दादाजी मेरे पास आए थे। अच्छा लंबे गोरे नारे ब्राह्मण देवता थे। बोले गुरु जी आ जाओ, भाग्य मेरा, मैं उस वंश का हूँ, मेरे कुटुंब के गौतम स्वामी थे। वही वैशाली पटना बिहार कुंडल प्रभावित, आप तो बिहार करा रहे थे ना डब्बू भैया पापड़ीवाल जी। ओहो, तो वैशाली में एक दादा आए, बोले मैं उनके वंश का हूँ। हमने देखो एक बेटा अच्छा निकल जाए तो पीढ़ियाँ निकल जाती तो वंश के कहते हैं, और एक खराब निकल जाए तो मित्र हम बिल्कुल नहीं जानते, हम पहचानते नहीं कौन है। ओहो हो, इसलिए भट्टारक जी आज सब तुम्हारे हो जाएंगे, और जिसने गड़बड़ किया सब पराये हो जाते हैं। इसलिए कोई किसी का नहीं होता, अपना चारित्र अपना होता है। मालूम सोदर मंदिर खुश हो गया, बोले हम तो ये चाहते तुम चलो तो चलो तो। जैसे पहुंचे गौतम, ऐसे सिर उठाया, नेत्रों को देखा, मानसम देकर के, वो ये क्या है? बोले मेरे गुरुजी की प्रवचन सभा धर्म सभा है, सर्वोदय सभा है। बोले तुम्हारे गुरु की सभा है? ऊपर अंदर पहुंच भी नहीं पाए, उनका तो वही मान विगलित हो गया, और जैसे ही पहुंचे परा गुरु के पास केस उंचन प्रारंभ हो गया। जो महावीर को समझाने गए थे वे महावीर के शिष्य बन गए। प्रत्येक मंदिर में मान स्तंभ होना चाहिए। अहंकारियों के जो टोपी लगा के आए ना, बोले मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, ऊपर भगवान के दर्शन करो, टोपी ये पड़ी तुम्हारी, अब देखो तुमसे ऊपर भी हैं।